जी 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 ये कमाल हो गया यार। एंड जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाने का नाम है हैशटैग KRK कुत्ता। सो जब भी आपको गाना पे डांस करना है, रील्स बनानी, तो हैशटैग KRK कुत्ता, जो कि मैंने 9th को उसका टीजर डाला था। मैं चाहता तो 10th को मैं उसको रिलीज़ कर सकता था, बिकॉज मेरा बर्थडे था, तो मैं नहीं चाहता कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग बनाऊँ या किसी को हर्ट करूँ, चाहे वो KRK क्यों ना हो। जी सो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जन्मदिन पे, बर्थडे वाले दिन कोई ऐसा मैं गाना निकालूँ। और अब फाइनली हमारा गाना रिलीज़ हो गया है। बहुत सारे लोगों को लगता था मैं गाना नहीं रिलीज़ करूँगा, क्योंकि जब गाना हम बना चुके हैं, गाने पे इसलिए इतना टाइम लगा था क्योंकि जो KRK है वो एक क्रिटिक्स है, जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिटिक्स बोलता है, हर फिल्म के बारे में वो राय देता है, अपनी ओपिनियन देता है। तो मुझे म्यूज़िक उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि ताकि उसकी बीट, उसका रैप, उसका जो वीडियो है वो उस लेवल का हो, क्योंकि KRK ने भाई उसके लिए व्यूज़ करने हैं, उसके लिए रिव्यू बताने के, गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो और आप सभी को पता है कि मैं कभी भी प्रमोशन के ऊपर, आप सभी को पता है मैं प्रमोशन के ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करता। एक मिक्का सिंह ऐसा जो व्यूज़ नहीं खरीदता या लाइक्स नहीं खरीदता, इसे बिलीव नहीं करता मैं। बट आप सभी का थैंक्स कि 1 मिलियन विद इन 3 आवर्स में जो ऑर्गेनिकली हुआ है, थैंक यू एवरीवन कि आपको गाना पसंद आ रहा है। क्यों एट द एंड मैंने बोला था कि गाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दो मैंने ये गाना हैशटैग KRK कुत्ता बनाया KRK के लिए, बट मैंने पहले भी बोला था अगर आपको अपने फ्रेंड्स ने चीट करा हो, अगर आपको कोई ऐसे लोग हो जो आपको हमेशा हेट करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप ये गाना उनको भी डेडिकेट कर सकते हो। वो जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, यू कैन कॉल हिम कुत्ता 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 कुत्ते का बच्चा।